नाइटी श्रीनगर के नए गेस्ट हाउस और स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 60 वर्षों की जो आपकी यात्रा रही है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय रही है और मुझे लगता है कि किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन की जो पहली जिम्मेदारी है वो सोसाइटी की समस्याओं में हमारा उसके समाधान में क्या योगदान हो सकता है। मोटे तौर पर शिक्षा किस लिए, अगर बेसिक परिभाषा एजुकेशन की कोई समझे, मुझे लगता है कि काम क्या है, यानी आप जैसे गुरुजनों का, तो हमारे अंदर की जो अनुभूति है उसे कैसे हम ठीक ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस दिशा में कैसे जा सकते हैं, उसे जागृत करने का काम ही मुझे लगता है कि टीचर का होता है। एक मोटी मोटी परिभाषा मुझे समझ में आती है। अब हम इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और खास तौर से पिछले 7-8 वर्षों में देश में जो बड़ा बदलाव हुआ है, मोटे तौर पर 86,000 स्टार्टअप्स आज हिंदुस्तान में है, हर रोज 10 नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, यूनिकॉर्न की संख्या हमारी बढ़ती जा रही। अब हम ये जो नॉलेज इकॉनमी की बात होती है तो नॉलेज इकॉनमी आज ये बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन आप देखेंगे तो हम तो बहुत पहले नॉलेज इकॉनमी थे। जब दुनिया के लोगों को सर्जरी के बारे में ज्ञान नहीं था तब हमारे पास प्रेसिजन इक्विपमेंट थे, उस समय हिंदुस्तान में सर्जरी होती थी।